हाय, एक्सरसाइज करोगे फिट रहोगे, फिट रहोगे तंदुरुस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे तो किसी और को भी कुछ हेल्प कर पाओगे, अगर नहीं तो अस्पताल में जाके बेड पर सोना पड़ेगा, जो कमाओगे सब देना पड़ेगा। बेस्ट, वी हैव टू डू द एक्सरसाइज, थैंक यू, ग्रेट डे। बस ए देखा ना मेरा दोस्त ने क्या ओपिनियन दिया, अभी देखा बहुत अच्छा बात बोले कि जब एक्सरसाइज इज बेस, है ना, नहीं तो आपने क्या बोला, ये बहुत अच्छा बात बोली कि जैसे नहीं तो अपना जो कमाओगे वो हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, है ना। तो हमारा जो टाइम है उसको हम थोड़ा बहुत सुबह उठ के और किसे अपना टाइम निकल के अपना शरीर के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, तो हम हॉस्पिटल में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, मतलब नहीं तो हम देखा नहीं आजकल मेडिसिन वगैरह कितना खाते हैं आजकल, मतलब पैसा जैसे लेके घूमते हैं, मेडिसिन पैसे लेके घूमते हैं बहुत लोग, ऑफिस जाने का टाइम मेडिसिन सबसे पहले आजकल याद करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद करना कि एक्सरसाइज करो और अपना जो जैसे आप सलाह लो किसी से जाके, जैसे एक्सरसाइज कहाँ कौन सा बीमारी के लिए तैयार है, ठीक है। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब नेट वगैरह भी काफ़ी सारा मिलता है, उसमें है तो साइकिलिंग भी करो। हाँ देखा, साइकिलिंग भी करो, साइकिलिंग से और अच्छा है, छोटे मोटे कामों के लिए एक साइकिल रखो जिससे कि आप अपना काम भी कर लोगे, पेट्रोल भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, फिजिकल हेल्थ भी ठीक होगा। देखा कितना अच्छा बात बोली, इसका बजट भी बोला, सब कुछ सही बोला, मतलब हमेशा इकोनॉमिकल लाइबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा बात बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।